फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो AFI दी जाती है इसका क्या मीनिंग होता है, उसका कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंज कितनी होती है, एमिनिटी फ्लूड कम या ज़्यादा होने पर बच्चे को क्या खतरा हो सकता है, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके कुछ डाउट हैं या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, बच्चा पूरे 9 महीने के लिए माँ के यूटरस में जो पानी की थैली होती है, जिसे एमिनिटी फ्लूड सैक कहा जाता है, वहीं पर वो तैरता रहता है। एमिनिटी फ्लूड की प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। ये जो एमिनिटी फ्लूड है वो बच्चे को बाहरी धक्के यानी शॉक, टेम्परेचर और इंफेक्शन के खतरे से बचाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड को प्रेशर से भी बचाता है। सो फ्रेंड्स, आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो वहां पर आपने एक टर्म लिखी हुई देखी होगी, AFI यानी एमिनिटी फ्लूड इंडेक्स। इसी मेजरमेंट थ्रू डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि एमिनिटी फ्लूड पर्याप्त है या नहीं। अगर एमिनिटी फ्लूड पर्याप्त मात्रा में है तो वहां पर एडेक्वेट अमाउंट ऐसे लिख कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एमिनिटी फ्लूड है उसका माप 400 ml से 1100 ml तक होना चाहिए पूरे प्रेगनेंसी के दरम्यान। पर आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखा होगा वहां पर AFI का मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ होता है। सो ये AFI कैसे निकाला जाता है ये आसान तरीके से समझते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते समय डॉक्टर गर्भवती महिला के पेट को नाभि लाइन के अनुसार 4 पॉकेट चेंबर, जिसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ऐसे 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसे 4 चेंबर मेथड भी कहा जाता है, और उसे क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर हर एक पॉकेट चेंबर यानी क्वाड्रेंट की डीपेस्ट डेप्थ यानी एमिनिटी फ्लूड की गहराई मापी जाती है, जिस नॉर्मल रेंज 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए हर एक चेंबर की। सो ऐसे ही अल्ट्रासाउंड द्वारा 4 ही पॉकेट का मेजरमेंट लेकर उसका एडिशन यानी जोड़ करते हैं और जो फाइनल मेजरमेंट आता है एमिनिटी फ्लूड का, इसे एमिनिटी फ्लूड इंडेक्स कहते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 4 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर एमिनिटी फ्लूड इंडेक्स 4 सेंटीमीटर से नीचे है तो उसे ओलिगोहाइड्रा एमिनिसिस कहते हैं, और अगर AFI की मात्रा 5 सेंटीमीटर से अधिक हो तो उसे पॉलीहाइड्रा एमिनिसिस कहते हैं। इन दोनों भी केसेस में बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर एमिनिटी फ्लूड कम हो तो बच्चे का विकास और उसके ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी की प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर बच्चे की जान का खतरा भी हो बन सकता है। अगर एमिनिटी फ्लूड ज़्यादा हो तो बच्चे अधिक पानी पी सकते हैं, इससे उनको किडनी में स्वेलिंग आ सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे ज़्यादातर ज़्यादा वजन वाले बच्चों में या फिर डायबिटीज महिला में देखा गया है। ऐसे गर्भवती महिला 1% महिला के साथ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस पर भी इलाज है। मेडिकल आज बहुत एडवांस हो गया है, बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के एडवाइस पे रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर एमिनिटी फ्लूड कम या ज़्यादा हो तो डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपको करा सकता है वक्त रहते। आप अपना अल्ट्रासाउंड रेगुलर कराएं, जो भी मंथ आपको बताया है डॉक्टर ने उस हिसाब से आप अल्ट्रासाउंड कराएं। इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन सी अल्ट्रासाउंड करनी चाहिए और हर अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके पूरी रीडिंग में मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर, तो आप वो ज़रूर देखिए। मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी।
आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।